हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ से एक दिन पहले 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर आएंगे। वे यहां देश की तीनों सेनाओं के प्रमुखों की यूनिफाइड कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कमांडर कॉन्फ्रेंस 27 सितंबर से जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर में सेना की ओर से आतंकियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन, चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर साझा रणनीति, हिंद महासागर और पूर्वी चीन सागर में बढ़ रही चीनी घुसपैठ को लेकर चर्चा की जाएगी। सर्जिकल स्ट्राइक की बरसी से एन पहले पाकिस्तानी सीमा से पहले फॉरवर्डिंग एयरबेस आयोजित कॉन्फ्रेंस का मकसद पड़ोसी मुल्क को आतंकवाद के खिलाफ कठोर संदेश देना है। प्रधानमंत्री मोदी इसके अंतिम दिन तीनों सेना प्रमुखों को संबोधित करेंगे। वे 28 सितंबर को सिविल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वे एयरपोर्ट पर ही भाजपा के स्थानीय नेताओं से मिल सकते हैं। पहली बार एयरबेस पर होगी कॉन्फ्रेंस। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, युवा सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बीएस धानोआ, नौ सेनाध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा, मिलिट्री ऑपरेशन के निर्देशक, रक्षा सचिव सहित कई अधिकारी 27 सितंबर को कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेंगे। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।